क्या किया ना, इसको डायरेक्ट लाइट से लगा दिए, डायरेक्ट लाइट। इसलिए हम एक पीस यहाँ पे तोड़े हुए देखिए, ये देखिए लेंस में देखेंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना बड़ा साइज का लेटर रखा हुआ है। मतलब ये जो है ना, लगभग आपका 6 फीट ऐसे जा रहा है और ऐसे 3 फीट का है। और ये अपना ही मशीन में कटिंग किया हुआ है, 4x3 वाला जो मशीन होता है ना, उसमें ही कटिंग किया हुआ है। देखिए ये 4x3 का मशीन में कटिंग किया हुआ है, 3 फीट ऐसे 6 फीट ऐसे, देख रहे ना ये। और कहीं पे जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मशीन क्या साइज़ का अपने पास में, तो आप तो देखे ही होंगे, वो रहा मशीन वहाँ पे 4x3 फीट का। तो वो कैसे कटिंग की है ना, उसके ऊपर वीडियो पहले से डाला हुआ है। और इधर कुछ बन रहा है कुछ इस टाइप से, ये देखिए वहाँ पे। तो वो देखिए अपना सिंगल सिंगल पीस ही बना रहे हैं, फिर उसको ले जा करके इंस्टॉल करेंगे। 3 फीट हाइट लगभग सबका 6-6 फीट में दिए हैं। और इधर कुछ इस तरीके से सोल्डिंग आयरन से गर्म होकर के इसको बैंड करेंगे। और यहाँ पे तो ब्लोअर से ही बनता है अपना, इतना बड़ा साइज़ का जो लेटर रहता है ब्लोअर से बनता है। छोटा साइज़ का लेटर अगर रहा तो देखिए सोल्डिंग आयरन से कैसे बैंड कर लिए इजीली। छोटा साइज़ का अगर लेटर रहा तो गैस कंटेनर हो गया, या फिर ये रहा अपना हीटर, इससे गर्म कर लिए, गर्म करके घुमा दिए। और ये अपना दुकान का लेटर कट के रखा हुआ है, जो कि बहुत जल्द अपना दुकान में इंस्टॉल होगा। और ये है जो साहू एंड सन्स पटाखे ही पटाखे लिखा हुआ रहेगा इसमें, और तो कुछ है नहीं। इधर इधर एक 2D बोर्ड है, 4 साइज में है, 1 फीट बाय 3 फीट, 1 फीट बाय 5 फीट, ये 2D बोर्ड है। देखने से तो नहीं लग रहा है, हो सकता है साइज यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ, फाइल जब चेक होगा तो समझ में आएगा, क्योंकि डिज़ाइन से नहीं लग रहा कैसा है, हो सकता है साइज लिखने में मिस्टेक हुआ। तो ये 2 2D बोर्ड अपना है अभी, जो कि बनने वाला है। एक वहाँ पे डेस्टिनेशन बैंक्वेट का आप देख रहे हैं, एक लगा हुआ था पहले से और एक अभी भी है डेस्टिनेशन बैंक्वेट का, लेटर बन गया है वहाँ रखा हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इसको, कम से कम लग रहा 2-2.5 घंटा के आसपास, 2 घंटा कम से कम इसको लग ही जाएगा इसको बनाने में पूरा। जगह भी थोड़ा सा अपने पास में बहुत कंजेस्टेड है ना, इसके कारण थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। इधर एक RGB P10 अपना फिट होकर के रखा हुआ है, वायरिंग वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे रेडी है, सिर्फ कार्ड लगाना है और इसको ऑन कर देना है। तो इसका भी वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं पूरा डिटेल में वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। और इधर एक क्लिपॉन अपने पास में आया हुआ है, इसको रिपेयर करना है, दोस्त का ही था ख़राब हो गया लेकर के आए। और ये वाला देखिए आप, ये है अपना 12 वोल्ट का LED रहता है अपना मॉड्यूल, लेकिन इसमें क्लाइंट क्या किए ना, इसको डायरेक्ट लाइट से लगा दिए, डायरेक्ट लाइट से इसको ऑन कर दिए हैं। तो डायरेक्ट लाइट से अगर लगा दिए इसमें, या फिर 12 वोल्ट से ज़्यादा 24 वोल्ट इसमें पावर दे दिए, चाहे 12 वोल्ट से एक्स्ट्रा कितना भी दिए, तो ये शॉर्ट कर जाएगा। लाइट से अगर लगाए ना तो तुरंत का तुरंत ही शॉर्ट करेगा। अगर 24 वोल्ट में लगाए हैं तो हो सकता है थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, हीट होगा, थोड़ा सा धुआं देगा, इस टाइप से होगा। लेकिन अगर लाइट से लगाए हैं तो तुरंत ही ख़राब होता है, एक बार बहुत तेज़ ब्राइट लाइट करेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब देखेंगे ना तो अभी वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, इसलिए हम एक पीस यहाँ पे तोड़े हुए देखिए, ये देखिए लेंस में देखेंगे तो ये काला हो जाएगा, ब्लैक सारा लेंस में, इसे ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट दिखेगा। देखिए छोटा छोटा सा दिख रहा है ना, ये देखिए छोटा छोटा सा दिख रहा होगा अंदर में, ये देखिए दिख रहा है छोटा छोटा सा, तो ऐसा स्पॉट हो जाएगा। तो ये आप समझिए, आपके पास में अगर कोई क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि ऑन नहीं हो रहा, तो इससे आप समझ जाइएगा कि इसको डायरेक्ट लाइट में लगाया हुआ है। तो आपके पास भी अगर साइनेज है ना, तो पावर सप्लाई देख करके ही इसको ऑन कीजिए, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो जिससे भी बनवाया है एक बार समझ लीजिए। पावर सप्लाई अंदर लगा हुआ है, कई बार बोर्ड में अंदर ही फिट हो जाता है, कई बार लोग अलग से देते हैं पावर सप्लाई, तो ऐसे में मिस्टेक हो जाता है। जैसे ऐसे तार निकला हुआ है, क्लाइंट के पास आप भेज दिए अगर, तो सोचेंगे कि पावर सप्लाई अंदर लगा हुआ, डायरेक्ट लाइट में इसको लगा देंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लाइंट को बता देना, या फिर आपके पास में बोर्ड आया हो, अपने पास से भी अगर कभी बंद करके जाता है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट लाइट में कभी मत लगाइएगा, या फिर यहाँ पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही था। तो काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, जिसके कारण कुछ सीखने सिखाने वाला वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन वेट कीजिए बहुत जल्द आएगा। और कल CNC के पास भी जाएंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, तो देखते हैं उसमें भी जो जो चीज़ हो पाएगा बताएंगे। यहाँ पे DJ का 2-3 तो दिग्गज दिखा देते हैं, देखिए 1, 2, 3, ये 3 DJ का यहाँ पे भी लिस्ट लगा हुआ है, काफ़ी सारा लिस्ट उधर रखा हुआ है। तो फिलहाल तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।